हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नहीं खुल रहा है, जब भी आप लोग यहाँ पे उसको ओपन करते हैं तो वो जो है ओपन नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ना प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर आपने बहुत दिनों से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है इसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको डेफिनेटली अपडेट कर लेना है। और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में नेटवर्क को चेक करना है, कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क इशू के कारण जो है आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो नेटवर्क को भी चेक कर लीजिएगा। और जो है उसके बाद यहाँ पे आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, तो उसको जो है अपने फ़ोन में अप्लाई कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ से आपको एप्लीकेशन में आ जाना है। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में आना है और यहाँ से आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ से आपको ना इंस्टाग्राम लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम दिखाई देगा, तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप परमिशन में जानी है और यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कोई भी परमिशन यहाँ पे ऑन नहीं किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो भी परमिशन आपको मांग रहा है आपको यहाँ पे सभी का सभी परमिशन को अलाउ कर लेना है। तो सभी परमिशंस को आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर अलाउ कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। ओके, तो सभी परमिशंस को अलाउ कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेटा यूसेज पे जाना है और यहाँ से आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों को आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में इनेबल कर लेना है, ताकि दोस्तों ये जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल डेटा और जब भी आपसे आप लोग यहाँ पे वाईफाई से इंटरनेट लेंगे तो उसको जो है यूज़ कर सके। ओके, तो आप लोग यहाँ पे ये सारी सेटिंग अपने फ़ोन में कर लीजिएगा, तो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।